नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं रेबिका कोटी। एक नजर केपी एक्सप्रेस में देश और दुनिया की सुर्खियों पर डालते हैं। लखनऊ से भी उठी सीए वापसी की मांग, आंदोलन में रही महिलाओं की सरकार को चेतावनी। गहलोत ने 3 बड़े मंत्रालय अपने पास रखे, जाने पायलट समर्थकों को क्या मिला। खुर्शीद के बाद मनीष तिवारी की भूख से निकला बम, मनमोहन सरकार पर वार, बीजेपी ने घेरा। विभाजन के बिचड़े गोपाल और बशीर करतारपुर में मिले, 74 साल बाद मुलाकात पर हुए भावुक। अभिनंदन को वीर चक्र सम्मान दिए जाने से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, F-16 जेट मार गिराने को फिर बता रहा गलत। CISF हो या CRPF, शहीदों के परिवार को मिलेगी एक सी आर्थिक मदद। कांग्रेस की बिहार यूनिट में जान फूंकने की कोशिश पर पानी फेर रही थी ममता, कीर्ति आजाद के बाद भी कई नेताओं पर नजर। गलवान के वीर कर्नल संतोष को मिलेगा महावीर चक्र, चीनियों के पत्थरों के आगे भी डटे रहे, पड़े बलिदान की कहानी। मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज गिरफ्तार। एक्सप्रेसवे के बाद एयरपोर्ट में भी होगा यूपी का जलवा, 5वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास करेगी पीएम मोदी। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, अब साधु संतों ने किया आंदोलन का ऐलान, किसानों की तरह डाल सकते हैं सड़कों पर डेरा। रिलायंस जियो मार्ट ने मचाई उथल पुथल। सीएम योगी का पलटवार, सपा के एजेंट ओवैसी माहौल बिगाड़ रहे, हमें ऐसे लोगों से निपटना जानते हैं। 26 नवंबर 13 साल पहले का वो आतंकी हमला जिस पर मनीष तिवारी की किताब ने मचा दिया बवाल। सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश में अजान पर होने जा रहा बड़ा फैसला। देश भर में 25 लाख शादियां, सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर, कोरोना की वापसी का कारण न बन जाए। अरब देशों में एक नया धर्म दे रहा दस्तक, इजराइल और अमेरिका है इसके पीछे। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टीन ने बताया, टीम इंडिया के खिलाफ कानपुर टेस्ट में खेल सकते हैं कितने स्पिनर। तलाक की खबरों के बीच निक जोनस के वीडियो पर प्रियंका चोपड़ा का कमेंट हुआ वायरल। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज़, ताज़ा खबरों के लिए धन्यवाद।